आपका प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो कि एक जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर शुरू की थी और आज वो मौजूदा सरकार में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ में हैं और उनका सफर कैसा रहा सीधे उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी से। सर, हमारा आपका हमारे इस शो शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हर बार हम लोग अपनी शख्सियत प्रोग्राम में एक शख्सियत से बात करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से आज तक की उनकी जर्नी रही है। तो आज हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो शुरुआती दौर था वो किस तरीके था, शुरुआती ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, आपका एजुकेशन जो था वो कहाँ से आपने लिया और कहाँ, मतलब किस तरीके का आपका वो सेगमेंट था। एक्चुअली मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे और ज़्यादा ईमानदार थे 100%, तो उनके स्थानांतरण बहुत होते थे, तो ट्रांसफ़र पर जाना पड़ता था, तो स्कूलिंग बहुत जगह हुई है। क्लास 1-2 मैंने एक अलग स्कूल से की, फिर 3-8 तक अपने गांव में की, फिर 9-10 मैंने दूसरे राज्य में की है, फिर हायर सेकेंडरी बोर्ड छतरपुर मध्य प्रदेश से किया, फिर बीएससी जीवाजी यूनिवर्सिटी से की, फिर एमएससी मैंने जीवाजी विश्वविद्यालय से किया, फिर लॉ मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ से की, फिर पीएचडी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से की, उसके बाद एक एमए हिस्ट्री मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से की है। तो ये तो शिक्षा का रहा है। राजनीति की शुरुआत ऐसे हुई है कि शुरू में छात्र राजनीति में रहे, बाद में लगा कि नौकरी एक बहुत सुरक्षित है जिससे करियर सुरक्षित रहता है, तो पुलिस में चला गया। फिर लगा अपने को कि मैं बहुत वहाँ फिट नहीं हूँ जो वर्किंग है पुलिस की, तो मैं एमएससी करके गया था, फिर लॉ और पीएचडी की। उच्च शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद से एक विज्ञापन आया जिसमें डिग्री कॉलेज में लेक्चरर्स के लिए वैकेंसी थी, तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया, उसमें चयन हो गया। तो उत्तर भारत का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज आगरा कॉलेज, आगरा में मैं एज ए लेक्चरर गया, आजकल वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। चूँकि वहाँ पुलिस में आप राजनीति नहीं कर सकते, तो मैंने रिजाइन कर दिया था और फिर जब सिलेक्शन हो गया कॉलेज में, अच्छा लगता है कि हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन से चयनित होकर के मैं उत्तर भारत के बड़े कॉलेज आगरा कॉलेज आगरा में मिलिट्री साइंस में लेक्चरर होकर गया। तो फिर राजनीति की शुरुआत कर दी। मुझे श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, यहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। फिर मुझे ऐसा लगता था कि MLA MP हैं वो क्षेत्र में ज़रा कम जाते हैं, और तो एक फार्मूला लगाया कि अगर मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में करता हूँ और कोई एक लोकसभा को चयनित करके और वहाँ दुख सुख में जाता हूँ, समसामयिक विषयों को लेकर धरना रैली प्रदर्शन करता हूँ, तो सफलता मिल सकती है। और जलेसर की महान जनता की कृपा रही, ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि लगातार मैं वहाँ 12th लोकसभा, फिर 13th लोकसभा, फिर 14th लोकसभा में लोकसभा का सांसद रहा। परसीमन आयोग ने जलेसर लोकसभा को टोटल समाप्त कर दिया और उसको 5 लोकसभाओं में बांट दिया, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस और मथुरा में। तो मेरे पास कोई लोकसभा नहीं थी, बगल की फिरोजाबाद में लड़ना चाह रहा था, और वो मेरी टिकट काट दी गई और उस पर अखिलेश यादव जी लड़े, जबकि वो ऑलरेडी कन्नौज से लोकसभा के MP थे। अब जो भी रीजन रहे हों, स्वाभाविक बात है राजनीति करनी थी, तो मेरे को BSP ने राज्यसभा दी, 10 से 16 के लिए दी थी। लेकिन ये देश की पहली घटना है कि किसी व्यक्ति ने अपनी 3 साल की राज्यसभा को छोड़कर लोकसभा में हाथ आजमाना। तो देश के सबसे, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री मोदी जी और अमित शाह जी UP के प्रभारी थे, तो आज तक लोगों को एक बहुत एक ये जिज्ञासा है कि राज्यसभा 3 साल थे, लोकसभा में हार सकते हैं, लोकसभा भंग हो सकती है और राज्यसभा सुरक्षित रहती थी, ऐसा क्यों किया। तो देश के
सबसे लोकप्रिय और विश्व के लोकप्रिय नेता ने मुझ में विश्वास किया और मुझे इस लायक समझा गया कि मैं सिर्फ ही परिवार से चुनाव लड़ सकता हूँ। तो वो मैंने राज्यसभा से इस्तीफा दे के फिरोजाबाद लोकसभा लड़ा और पूरी दुनिया को पता है फिरोजाबाद में क्या हुआ। फिर एक टुंडला विधानसभा थी, पार्टी ने कहा कि 16 बार उस विधानसभा को बीजेपी हार चुकी है, अगर मैं लड़ता हूँ तो शायद जीत सकता हूँ। फिर हाईकमान ने विश्वास व्यक्त किया तो मैं जो 16 बार हारी गई टुंडला विधानसभा से चुनाव लड़ा और 56,000 के मार्जिन से जीता और प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, अमित शाह जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि योगी जी की सरकार में मुझे पशुधन, लघु सिंचाई, फिशरीज, अंडरग्राउंड वाटर का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो यहाँ दिल लग गया था क्योंकि 4 बार लोकसभा राज्यसभा देख रहा था, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी सेवा है, बड़ा सूबा है। फिर पार्टी का आदेश हुआ कि आगरा लोकसभा से लड़ना है तो यहाँ से इस्तीफा दे के फिर मैं आगरा लोकसभा लड़ा, वहाँ भी जीता। फिर माननीय मोदी जी ने, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का, कि अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने मुझे MOS फॉर लॉ एंड जस्टिस के रूप में मेरे को शपथ दिलाई है। तो जिस अपेक्षा, उम्मीद, आकांक्षाओं को लेकर के मेरे में विश्वास व्यक्त किया गया है, अपनी पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से उन अपेक्षाओं पर उतरने का प्रयास करूंगा। ये एक छोटा सा राजनीतिक सफर है। सर, ये तो अभी आपने एक अपने करियर का पूरा एक संक्षिप्त तो आपने हमको ये चीज़ बताई है। अभी ये है कि अगर हम आपके पर्सनल एक आपकी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पर्सनल उसके बारे में बात करें, तो कहा जाता है कि आपने लव मैरिज की थी, तो उसमें ये था कि आपके घर से बहुत ऑब्जेक्शन था इस चीज़ को लेके, वो आपने सिचुएशन कैसे मैनेज की, किस तरीके से आपने अपने घर वालों को कन्विंस किया ताकि आप जिनसे मैरिज करना चाहते थे उनसे आपकी मैरिज हुई, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? काफ़ी रिसर्च करके आप मेरे पास आई हैं, मेरी आपसे कुछ इस संदर्भ में वार्ता नहीं हुई, ये बायोडाटा में भी कहीं लिखा नहीं है कि लव मैरिज है। मेरी मेरठ में पोस्टिंग थी, मधु मेरठ की रहने वाली हैं, लव मैरिज है लेकिन घर का ऑब्जेक्शन नहीं था। और एक हल्की सी सभी के पेरेंट्स को जो प्यार करते हैं उनको आशंका रहती है कि लव मैरिज पता नहीं कौन है, कैसी है, चलेगी नहीं चलेगी। तो जो लोग अपनी लड़कियों को प्यार करते हैं, जो लोग अपने भाई और बेटे को प्यार करते हैं, वो हल्का सा उनको एक पशुपेश की पोजीशन रहती है। तो कोई ऐसी नहीं, बहुत बड़ी बारात गई थी, शंकर जी की बारात थी, मेरे बैच के लोग, मेरे गांव से कई बसें गई थी और शादी हुई। और आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि अगर प्यार करो तो शादी के अंजाम तक उसको पहुंचाना चाहिए। तो सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं तो इंटरकास्ट और हर प्रकार की शादी के पक्ष में हूँ, लेकिन जब आप प्यार करें तो मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए और उसको शादी के अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हैप्पी मैरिड लाइफ है, 35-35 साल हो गए हैं। 80 के दशक में बहुत लव मैरिज नहीं होती थी, तो थोड़ा सा जात, क्षेत्र, धर्म, ये सब चीज़ें आड़े आती थी, लेकिन आज तो चौथी शादी का कार्ड मिलता है तो सरनेम अलग अलग होते हैं, तो अच्छा लगता है, इससे सामाजिक समरसता भी बढ़ती है और जाति बंधन भी कहीं ना कहीं टूटता है और समाज में एक दूसरी जातियों को समझने का अवसर मिलता है। और आप आदमी अपने आप को ढालता है, कस्टम्स अलग होते हैं, भाषा अलग होती है, रीति रिवाज अलग होते हैं, इसी को प्यार कहते हैं, या तो किसी को अपना बनाओ या उसके जैसा बन जाओ। बाकी सर, अभी आप हमसे बोल रहे थे जब आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, अब आप जब बता रहे थे तो उस टाइम में आपने प्रोफेसर के लिए बात की थी कि आप कुछ टाइम पीरियड प्रोफेसर भी रहे थे, तो वो किस टाइम पे आप प्रोफेसर रहे? क्योंकि ऐसा है कि जब आप सब इंस्पेक्टर थे उसी दौरान आपको उसके लिए मंत्री, इसके राजनीति के लिए आपको ऑफर मिला था कि आप उसी दौरान आप मंत्री उसमें आए थे, राजनीति में आए थे। और ये भी कहा जाता है कि आप सब इंस्पेक्टर से पहले प्रोफेसर थे। नहीं नहीं, उल्टा हो रहा है, कोई भी प्रोफेसर छोड़ के सब इंस्पेक्टर नहीं बनेगा। एक बार IPS भी छोड़ करके लेक्चरर हो सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है, क्योंकि पुलिस में रह के आप राजनीति नहीं कर सकते, यू हैव टू रिजाइन। अगर आप इस्तीफा देंगे तो जरिया मास आपकी आमदनी का कोई साधन होना चाहिए।
पुलिस में बड़ी सुरक्षा थी कि 35 साल 33 साल जो आपकी उम्र है आप प्रमोशन भी करेंगे और बड़े पदों पर रहेंगे, अगर आप बेईमान हैं तो पैसा भी बहुत होगा। राजनीति बहुत अनसर्टेनिटी की है, कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि वो गांव का प्रधान जीत ही जाएगा। संयोग है कि मैं 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा, 1 बार विधानसभा और उसमें मंत्री और राज्य में मंत्री और केंद्र में मंत्री, ये कृपा है ईश्वर की, मतदाताओं की, मेरे हाई कमान की। लेकिन जब मैं पुलिस में था तभी मैंने बताया ना शुरू में कि मैंने उच्च शिक्षा सेवा आयोग से निकले हुए विज्ञापन का भरा और मेरा चयन हो गया, चूँकि आगरा कॉलेज, आगरा एक बहुत ही उत्तर भारत का प्रतिष्ठित कॉलेज है जो 1823 का है, तो मुझे मैं शिक्षा के प्रति मेरे शुरू से ही जागरूकता थी। फिर जब आप लेक्चरर हो गए तो आप राजनीति कर सकते हैं बिना इस्तीफा दिए, तो मैं आगरा कॉलेज आगरा में अभी भी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ, तो अगले साल सेवानिवृत्ति रहेगी तो फिर देखेंगे। तो राजनीति में आप एज ए लेक्चरर, ये जो ऑटोनोमस कॉलेज हैं उनमें आप राजनीति कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ सकता, लड़ेगा तो ही हैज टू रिजाइन। तो सर क्या रहा, मतलब ऐसा क्या करना, मतलब क्योंकि एक प्रोफेसर एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है और उस प्रोफाइल को छोड़ के राजनीति की तरफ रुख करना, क्यों आपने ऐसा? मैंने एक बार कहा ना कि वो सुरक्षित है, जब हम MLA MP MLC मंत्री रहेंगे तो उधर नहीं जाएंगे, जब नहीं रहेंगे तो अपने कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मुलायम सिंह जी अध्यापक रहे, कल्याण सिंह जी अध्यापक रहे, श्री राजनाथ सिंह जी डिग्री कॉलेज में रहे, श्री मुरली मनोहर जोशी जी रहे हैं, रीता बहुना जी रही हैं, एक लंबी फहरिस्त है। तो अक्सर आप राजनीति में देखेंगे कि शिक्षक, चिकित्सक और अधिवक्ता लोग काफ़ी राजनीति में हैं। बाकी सर ये है कि एक 1987 के टाइम पे, एक दंगों के टाइम पे आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी जिसने आपको बहुत अच्छा एक हाइप दिलवाया था, जिससे आपका रुतबा काफ़ी बड़ा था, तो वो किस तरीके की जिम्मेदारी थी जो आपको सौंपी गई थी और आपने किस तरीके से उसको निभाया? नहीं, कोई मुझे नहीं सौंपी गई थी, एक पुलिस कलेक्टिव सामूहिक जिम्मेदारी का विभाग है, अधिकारियों के निर्देश होते हैं, अधीनस्थों को उस पर काम करना पड़ता है। लेकिन वो हशिमपुरा मलयाना को बहुत आँखों से देखा था, एक भीषण दंगा था और बहुत डिस्टर्ब रहा था, तो ऐसे समय अपनी पूरी ताकत लगा के मेहनत से, ईमानदारी से सभी पुलिसजनों को काम करना चाहिए। पुलिस की अपनी कोई पार्टी नहीं होती है, पुलिस का कोई धर्म नहीं होता है, पुलिस की कोई जात नहीं होती है और अपराधियों की भी कोई जात और धर्म नहीं होता है, इसलिए जो कानून तोड़ते हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर आपकी ईमानदारी के चर्चे तो हर जगह रहे हैं, आपने काफ़ी ईमानदारी से हर चीज़ निभाई है, क्योंकि जैसे ही आपको सब इंस्पेक्टर पे नियुक्ति आपकी हुई थी उसी टाइम पे आपको नारायण दत्त तिवारी जी के सब सुरक्षा गार्ड के लिए आपको रखा गया था, देन फिर आप मुलायम सिंह यादव जी के साथ पे लगे, तो उस ड्यूटी को निभाने में, मतलब वो ड्यूटी, वो वाला पल आपका कैसा था? अच्छा है। कुछ राजनीतिक बड़ी हत्याएं हुई, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का मृत्यु हुई, बाद में राजीव गांधी जी के 2 प्राइम मिनिस्टर मारे गए, तो थोड़ा सुरक्षा के प्रति लोगों की बहुत जागरूकता बढ़ी और व्यक्तिगत रुचि भी VIPs की हुई, तो ये हुआ कि जिनका करेक्टर रोल बहुत अच्छा है, जो एकदम ईमानदार हैं, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील पद हैं और ख़ासतौर से डेयरिंग हो, हिम्मत वाला हो, कोई घटना होने पर भागे ना, डर की ना दिखाए उसको, तो ऐसा समझा गया होगा। तो तिवारी जी बहुत विजिट किया करते थे, वो इलेक्शन ईयर थी तो वो बहुत दिल्ली बहुत जाया करते, तो वो एक ऐसी पोस्टिंग थी, लेकिन मुलायम सिंह जी ने जब शपथ ली है तो उसके बाद स्थायी रूप से उनका मैं सुरक्षा अधिकारी तब तक रहा हूँ जब तक वो मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद जब वो नहीं थे तब भी मैं उनके साथ रहा। जिस दिन मेरा चयन हो गया है डिग्री कॉलेज में तो फिर मैंने पुलिस से इस्तीफा दिया। तो सर ये है कि मुलायम सिंह जी ने जो आपको एक चांस दिया था राजनीति में आने का, वो आपकी ईमानदारी थी या कोई और वजह थी जिस वजह से उन्होंने आपको राजनीति में उतारा? ईमानदारी एक अच्छा गुण है लेकिन सब कुछ नहीं है, आपको फील्ड वर्क भी करना है, आपको भाषण कला भी होनी चाहिए, आप कर्मठता भी होनी चाहिए, पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कर्मों को भी जनता तक पहुंचाना चाहिए, तो बेहतर है उनसे पूछ सकते हैं कि
उन्होंने क्या देखा, लेकिन उन्होंने चांस दिया और लगातार 3 बार मैं लोकसभा में तब जीता जब मेरी कमिश्नरी की सभी सीटें दूसरा दल जीतता था, मैं अकेला वहाँ समाजवादी पार्टी से जीतता था, तब तक जीता जब तक वो लोकसभा रही। सभी लोगों ने कुछ ना कुछ देखा और मुझे अवसर दिया है, तो मैं स्वयं पार्टी कभी नहीं, मैंने नहीं छोड़ी है, कुछ मजबूर किया गया या अब राजनीति कर रहे हैं, जब पुलिस छोड़ आए हैं अब दूसरे काम हो नहीं सकते, फिर अपनी लोकसभा के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जिम्मेदारी होती है कि उनके काम हों, तो सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, तो कोशिश की है कि कुछ किसी न किसी सदन में रहें जिससे आम जनता की सेवा कर सकें। सर, 1998 में आप पहली बार जलेश्वर सीट के लिए लड़े और आप जीते भी, तो वो पहली जीत क्योंकि सब इंस्पेक्टर से प्रोफेसर देन प्रोफेसर के बाद ये राजनीति, और जब आप पहली सीट 1998 में लड़े और जीते भी, तो वो अनुभव आपका कैसा था, मतलब कैसा आपको लगा उस दौरान, क्योंकि पहली जीत वो भी राजनीति में, क्या आपने कभी, मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं पहली बार राजनीति में लड़ूंगा और पहली बार में ही मैं जीत जाऊंगा? नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं था कि जीतना ही है, लेकिन 93 से जब मैंने आगरा कॉलेज ज्वाइन किया तो एक भी दिन गवाया नहीं, मेरे पास जो थोड़े फंड था, जीपीएफ था या कुछ पैसा था, उससे एक वाहन लिया और क्षेत्र में रुक जाता था। मुझे याद है कि सैलरी बहुत कम होती थी, तो मेरी वाइफ ने शहनाज का ब्यूटी का पार्लर का कोर्स किया, तो एक पार्लर खोला, तो मैं उनसे पैसे लिया करता था डीजल डलवाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मैंने 20 रुपये का डीजल डलवाया, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर गया। तो कोशिश करता हूँ कि अपनी लोकसभा का चुनाव से पहले, बल्कि जीतने से पहले, सभी शादी ब्याह, 13वीं, भागवत कथा, रसिया दंगल, कब्बाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, इवन मैं भैंस के बनने पर भी जाया करता था, तो जनता ने समझा कि अगर मैं जीतता हूँ तो कुछ क्षेत्र में काम करूँगा। तो ऐसे करके वो जीता हूँ 98 में, फिर वो बहुत कम समय चली लोकसभा, अगला फिर जीता, फिर अगला फिर जीता, जब तक जलेसर रही है तब तक वहाँ का, और जलेसर के इतिहास में कोई लगातार 3 बार कभी कोई सांसद नहीं रहा। फिर उसके बाद आप 2010 में बसपा में भी रहे और उसमें भी आपने एक अहम भूमिका निभाई है, तो वो किस तरीके का? बीच में जब मैंने जैसे बताया ना, वो जिक्र करना बार बार ठीक नहीं है, मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन मुझे अखिलेश यादव के सामने लड़ने लायक समझा गया, वो एक गठबंधन हुआ माननीय कल्याण सिंह जी का और मुलायम सिंह जी का, वो मेरी हार का कारण हुआ, और केवल 64,000 का अंतर था मेरे में अखिलेश जी में, वो लड़ा, फिर उन्होंने मेरे को बीएसपी ने डिंपल यादव जी के सामने भी 3 महीने बाद कहा कि लड़ो, तो ये भी एक बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। जब हम कभी सुनते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कौन लड़ता है विपक्ष का, या राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने, तो एक श्रद्धा उनके प्रति होती है कि आखिर ये नूरा कुश्ती नहीं थी, उस समय उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया, तो बीएसपी ने अपने कैंप का जो सबसे सही होगा लड़ाया, तो चुनाव हारते हैं, राजनीति नहीं हारी। तो वहाँ मेरा चांस की बात है कि मैं अखिलेश यादव से, डिंपल यादव से, उनके भाई अक्षय यादव से चुनाव लड़ा, इसके बाद मुझे राज्यसभा भेजा गया, और राज्यसभा छोड़नी एक बड़ी बात है, इसके पीछे ये कारण है, ये कोई दल बदल नहीं है, क्योंकि जब 3 साल रहते हुए आप छोड़ रहे हैं और लोकसभा के लिए जो अनसर्टेन है, जैसे राज्यसभा एक गोद का बच्चा है और लोकसभा एक पेट का बच्चा है चुनाव, कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, तो अभी तक मैंने कहा ना कि मैं 3 कार्यकाल क्षेत्रीय दल में रह के सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, जात आय प्रमाण पत्र, अथवा शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कब्बाली, कुआ पूजन, एकादशी के व्रत का उद्यापन ही करता रहा। मुझे लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे वैश्विक लीडर मोदी जी के नेतृत्व में अगर काम करूंगा तो ये एक राष्ट्र सेवा होगी और राष्ट्रवाद को मजबूत करूंगा। और अब समझ में आया कि जो अभी मैंने आपको सुनाया वही राजनीति नहीं है, धारा 370 को हटाने में भी आपका योगदान है, ये कालखंड मेरा ऐसा है कि राष्ट्र निर्माण में मेरी भूमिका है, 35A को समाप्त किया, जो आप नागरिक संशोधन बिल है उसमें हमारी भूमिका है, और आने वाले समय में रोज विधि एवं न्याय राज्य मंत्री के रूप में जो
माननीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, राष्ट्र हित में ऐसे कानून भी बनेंगे, तो अच्छा लग रहा है कि ये कालखंड जो है इसमें हमारी भूमिका क्षेत्रीय भूमिका नहीं है, राष्ट्रीय भूमिका है। और मोदी में ये एक इतिहास होगा, आने वाली हमारी पीढ़ी कहेंगी कि मैं योगी जी के मंत्रिमंडल में और मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल था, ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। सर, आप काफ़ी टाइम से राजनीति में हैं, बहुत सारे आपको अलग अलग जगह पे आपको भेजा गया है और बहुत सारे आपने राजनीति मुद्दे, बहुत सारे विभाग आपको उसमें दिए गए हैं, तो कौन सा विभाग ऐसा रहा जो बहुत ज़्यादा आपको लगा कि थोड़ा सा मुश्किल है मैनेज करना, और किस में थोड़ी सी मुश्किल रहा और कौन सा आपका ईजी रहा? विभाग सभी अच्छे हैं, और ज़्यादा अच्छी बात है कि जो विभाग को आप लोग खराब समझते हैं उसको ठीक करना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढें, तो बहुत अजीब लगता है कि कोई आदमी अपने हाईकमान से यह कहे कि मेरा ये विभाग है। वो जो एक आपका स्वभाव है, आपकी शिक्षा है, आपकी रुचि है, उसके अनुसार रहता है। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, शायद ये विदेशी विधि एवं न्याय मंत्रालय मिला, लेकिन हम लोग उस समाज से हैं जो पशुपालन करते हैं, ट्रेडिशनल करते हैं, तो शायद इसलिए पशुपालन मंत्री बनाया गया। लेकिन ये कालखंड भी मेरा बहुत अच्छा रहा। राशिद गोवंश एक बड़ी समस्या है, पशुधन जो है वो पैरेलल इकोनॉमी किसान की होनी चाहिए, तो योगी जी के निर्देश पर और केंद्र सरकार ने भी बहुत सहायता की, मोदी जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, तो ये पशुधन आरोग्य मेले हम लोगों ने लगवाए। उसके अलावा सेग्रीगेटेड सीमन पहली बार मेरे समय में आया, जिसमें अगर कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा कोई किसान अपनी गाय का गर्भ धारण कराता है तो 92% के आसपास बछिया गाय ही पैदा होगी। चूँकि अब हल नहीं चलता है, रहट नहीं चलती है, कोल्हू नहीं चलता है, बैलगाड़ी नहीं चल रही है, एक दाएँ होती है जिसको बैलों के खुरों से गेहूं की क्रशिंग की जाती है, वो नहीं रहा मशीन युग में, इसलिए जो नंदी पैदा हो रहे हैं वो प्राइस यूजलेस हैं, इसलिए वो प्राइसलेस हो गए। तो मेरी कोशिश थी कि अगर गाय बछिया पैदा होगी तो वो 12-14 साल किसान के यहाँ रहेगी और दूध देगी, तो इस पर सेक्स ऑर्टेड सीमन पे बहुत काम किया। खुरपका, मुँहपका, गला घोटू और थनेला की बीमारी से रहते थे, तो केंद्र सरकार ने बहुत पैसा दिया तो ये बीमारियों से भी मुक्त किया। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक थोड़ी सी पत्रम पुष्पम सेवा हुई, हालांकि वो पर्याप्त नहीं है, कि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में 2 बृहद गौशालाओं का निर्माण हम लोगों ने कराया 1 करोड़ रुपए की ऊपर से लागत से, तो उसमें आश्रय दिया है गायों को। और योगी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जितनी भी गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाएँ हैं उनका 365 दिन का पैसा राज्य सरकार ने हमारे कार्यकाल में ही स्वीकृत किया है, तो अब पॉलीथिन नहीं खाने को हो रही है। हालांकि अभी समस्या से हम लोग निजात नहीं पाए हैं, लेकिन ये गौरैया प्रयास मेरा रहा। फिशरी बहुत अनइम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ब्लू रिवोल्यूशन शुरू किया, RAS री एक्वा सर्कुलेटिंग सिस्टम से मछली पालन का हुआ, तो मैंने बड़ा प्रमोट किया उसको, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 2024 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे, तो दुगनी कभी जो है भाव नहीं हो सकते, दुगने पैदावार दुगनी नहीं हो सकती, फिर दुगना कैसे करना है, तो प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि फिशरी के द्वारा, पिगरीज के द्वारा, औषधि खेती के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा, जैविक खेती के द्वारा, फल फूल की खेती के द्वारा हम जो है किसान की आय बढ़ा सकते हैं। तो फिशरीज में मैंने मतलब वो लोग उसको अनइम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, लेकिन उसको मैं कोशिश कर रहा था कि मछली का आयात आंध्रा से ना हो, ये 22 करोड़ की आबादी वाला देश है, एंड फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं। तो हालांकि मैं आई एम 100% वेजिटेरियन, मैं 100% वेजिटेरियन हूँ, जिन दवाइयों पे लाल निशान होता है मैं उन दवाइयों को भी नहीं खाता हूँ, लेकिन कुछ लोग प्रोटीन का साधन ढूंढते हैं, तो मुर्गी पालन और मछली पालन को मैंने बढ़ावा दिया। उसके पीछे ये है कि किसान की आय दुगनी हो। प्रधानमंत्री जी की सोच बड़ी है, वो शब्दों का चयन ऐसा करते हैं, उसके पीछे एक मंशा होती है, नीली क्रांति। आप देखते होंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में एक चक्र है, उस चक्र में नीला चक्र है, उसमें 24
वो हैं, तिलियां हैं, तो वो रोटेशन का, प्रगति का चक्र है वो। और चूंकि पानी भी नीला होता है और उसमें फिसली होती है, और वो हमारा चक्र है वो प्रगति का सूचक है, तो ये ब्लू रिवॉल्यूशन एक जैसे हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने नीली क्रांति की है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। बाकी सर, अभी बीच में जिस टाइम आपने राजनीति में कदम रखा था, उस दौरान एक आपके जाति पे लेके एक याचिका दायर हुई थी, उस पे भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा, मतलब बहुत सारा चीज क्रिएट हुआ था कि आप किसी और जाति से बिलोंग करते हैं, आप गडरिया पाल बघेल जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट कुछ और, तो उसको लेके भी बहुत मुद्दा था, तो क्या था सर? चार बार जब लोकसभा और राज्यसभा का समान सीटों पर रहा हूँ, तो पांचवीं बार के लिए कोई अपनी जात नहीं बदलेगा, स्वाभाविक बात है। और जब आप राजनीति में सीरियस हैं तो कहीं स्थान भी मिलेगा, लेकिन जो हक है उसको जरूर लेना चाहिए। बाकी सर, ये था कि कोरोना की जो भी आपकी पहली लहर हो या दूसरी लहर, उसमें आपने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से आपको मोदी जी ने एक अलग सम्मानित, मतलब ये था क्योंकि उस टाइम पे कोई भी वर्क नहीं कर रहे थे। जैसे अगर हम अपोजिशन पार्टी में दूसरी पार्टीज की बात करते हैं, तो वो कोरोना के टाइम पे वो लोग दिखे नहीं थे, जिसको आज बोला भी जाता है कि कोरोना के टाइम पे ये लोग कहाँ थे, जिस टाइम ज़रूरत थी तब ये लोग नहीं थे। आपने उसमें बहुत लोगों की हेल्प करी है, तो वो कैसे, वो दौर आपका कैसा रहा था, वो किस तरीके से आप सपोर्ट करते थे, कैसे क्या वर्किंग रहा उसमें आपका? अब उस कालखंड के बारे में, की गई सेवा के बारे में सोचता हूँ तो सहर जाता हूँ। लेकिन लोगों ने 44 डिग्री टेम्परेचर में जो आगरा में मेरे को वोट दिया है, वो केवल इसलिए नहीं है कि हमारा काम केवल विकास है, बल्कि दुख सुख में और जब ऐसी देवी आपदा हो उसमें आदमी को सेवा करनी चाहिए। तो बहुत हमारी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बहुत काम किया, बहुत उनके निर्देशन काम हुआ, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत काम रहा जिसमें केंद्र और राज्य के पैसे और नगर निगम आगरा के पैसे के बिना निजी प्रयासों से एक ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान नहीं, माफ़ करना, मैं माफ़ी मांगूंगा लोगों से, विश्व में ये घटना इसलिए नहीं होगी क्योंकि लोग घर से नहीं निकले। और उन दिनों मैं एक्चुअली, मेरी लोकसभा में देहात की थी, तो मैं अक्सर देखा करता था कि खेतों में एक ट्रैक्टर खड़ा होता है, उसके पीछे एक बड़ा टैंक होता था और किसान कुछ छिड़काव करता है, उसमें 200 300 400 मीटर का पाइप होता था। तो मैं चूंकि किसान परिवार से हूं, तो मैंने पूछा तो क्या होता है, तो उन्होंने कहा कीटनाशक का, क्योंकि हमारे यहाँ आलू बहुत होता है, जहाँ तक निगाह पड़ेगी आलू की खेती होगी। तो अक्सर आप भी देख रहे होंगे कि आपके घर में आई हुई सब्जी में पिछले कितने साल से कीड़े वाली बिना की आई होगी। अब बैंगन में कीड़ा नहीं होता होगा, पालक में कीड़ा नहीं दिखाई पड़ता होगा, अमरूद में कीड़ा नहीं दिखाई होता होगा, कीड़ा नहीं, क्यों? कीटनाशक का प्रयोग होता। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर हम इस ट्रैक्टर को, उसकी मशीन को ले लें और जो इसके इस वायरस में इफेक्टिव हो दवा वो डालें। तो मैंने WHO से बात की, तो उन्होंने कहा सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है उसका छिड़काव ही इसमें इफेक्टिव है, चाहे वुहान ने अपने आप को अगर वो किया है कोरोना मुक्त किया है तो स्प्रे से किया है। अचानक आया था, केंद्र ने बहुत अच्छा किया, राज्य ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसको करूं तो, चूंकि मैं अपने धरना रैली प्रदर्शनों में के लिए जाना जाता हूं, मैं अपने भयंकर नॉमिनेशन के लिए जाना जाता हूं जिसमें ट्रैक्टर्स आया करते थे, हजार हजार ट्रैक्टरों को बुला के मैंने कई बार धरने दिए। तो मैंने अपने किसान भाइयों से ये कहा कि चूंकि उस समय खेती का काम नहीं था, कि आप हमें अपने ट्रैक्टर और वो टैंक दे दें। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट हमने 39,000 लीटर खरीद के उसका छिड़काव किया, तो 40 ट्रैक्टर एक दिन में चलते थे। और जैसे ये जिस रूम में हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर इसमें छिड़काव होगा तो दीवार के ऊपर केवल एक एक 5 सेकंड के लिए स्प्रे करना है, पूरी दीवार, तो चारों दीवार ये 1 मिनट में हम इसको स्प्रे कर देंगे। तो मैंने करीब 10,000 से ऊपर घरों के वॉशरूमों को, उनकी लेटरिन को अपने हाथ से किया है। मेरे 60 जोड़ी कपड़े इसलिए ख़राब हुए हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे ही पड़ेगा तो कपड़ा फटेगा और उसका रंग चला जाएगा। तो मेरे और मेरे मित्रों ने, सहयोगियों ने, कार्यकर्ताओं ने, ये हम, मैं 3 घंटे ट्रैक्टर रोज चलाता था। अच्छा, जैसा राजनीति में होता है कि एक पिक्चर के लिए एक मैसेज देना, एक दिन बहुत है, वो जिंदगी भर काम आएगा, ट्रैक्टर चला रहे हैं और स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन एक एक मजदूर की तरह मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरे बेटे ने, बल्कि वो दोनों पॉजिटिव हो गए,
और हम लोगों ने सभी सार्वजनिक जगहों पर जहाँ डेड बॉडी जलती हैं, शमशान घाटों पे, ISBT पे 10,000 मजदूर थे, उसके वॉशरूम सबसे ख़राब किया, ऐसा करके मुझे स्वांता सुखाए हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि जो इस शताब्दी का सबसे बुरा दौर था उसमें अपनी सरकारों के साथ मुझे निजी तौर से काम करने का मौका मिला। फिर गायें, चूंकि मंडियां बंद थी तो फिर गायों के लिए भोजन के लिए हमने मेटाडोर चलाई, मैं अपने हाथ से सानी किया करता था। फिर वृक्षारोपण भी खूब उसी दौरान किया। फिर 15,000 के आसपास सरकार की किटों को मौके पे जाके, ताकि सिचुएशन ठीक रहे, स्वयं वितरण किया है। इसके बाद कुछ NGOs हैं, उन्होंने सहायता की तो उनके लिए वो उनकी किटों का हमने वितरण मौके पे किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जब मैं किसी का पासपोर्ट बनवाता हूँ, बनवाई भी होंगे, लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी राशन कार्ड बनवाने में हुई, क्योंकि इस काल में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज राशन कार्ड है। 10,000 से ऊपर राशन कार्डों को हाथ से भर के मोहर लगा करके DSO, तत्कालीन DSO का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि रोज़ उनको बुला करके, फिर बनवा करके, फिर मौके पर वितरण करते थे। तो यद्यपि मेरा 6वां कार्यकाल है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य मंत्रिमंडल, केंद्र मंत्री, बट वो कार्यकाल मेरी संतुष्टि का सबसे बड़ा है कि मैंने सेवा की। और इस बार 30 के आसपास हमारे कोरोना वाले अस्पताल थे, मैं रोज़ हर अस्पताल में जाता था, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक तप भी उत्साह वर्धन करना चाहिए, और लोग रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, बेड की बात करते थे, तो कोशिश करते थे कि सबके फ़ोन मैंने अटेंड किए। मैं PA नहीं रखता, PS नहीं रखता, OHD नहीं रखता हूँ, PRO नहीं रखता हूँ, मैं अपनी चिट्ठी अपने हाथ से लिखा करता और सारे फ़ोन को मैं स्वयं सुनता हूँ। आपसे कभी बात हुई होगी तो मैंने उठाया होगा, तो मेरे से लोग सीधे बात करते हैं। जो बाहर के लोग हैं वो एक बड़ी कल्पना करते हैं, वो कहते हैं सांसद जी से बात कराओ, मंत्री, मैं अपना फ़ोन स्वयं उठाता हूँ। और एक जीवन का नियम है, मैं 4 बार लोकसभा का MP रहा और उधर राज्यसभा में, लेकिन केवल 23 रात्रि विश्राम मैंने दिल्ली में किए हैं। मैं 3 बजे लोकसभा से उठ के गोवा एक्सप्रेस पकड़ के, या 3:30 बजे गोंडवाना, या 4:10 पे कुतुब, या 5:23 पे AP, या 6:40 पे GT पकड़ के आगरा आता हूँ, और 5 प्रोग्राम रोज करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अपने क्षेत्र के दुख सुख में रहूँ। तो कई लोग हम देखते हैं कि महीने में ही 23 दिन दिल्ली रुक जाते हैं, मैं पूरे अपने जीवन में इतना स्टे किया। अब चूँकि भारत सरकार में मंत्री हूँ, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं, रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ राष्ट्रीय स्तर के मसले लगे रहते हैं, तो पत्रावली हम लोगों को देखनी पड़ती है, तो थोड़ा स्टे हो रहा है, लेकिन जब भी मौका लगता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाना ही है, तो वो करोना, फिर मैं हर अस्पताल में जाता था, मरीज सब, तो मेरी अपनी सोच है कि अभी वो इंजेक्शन तैयार नहीं हुआ जो नर्स 2 मीटर से लगा दे। जब वो पास में जाती है, डॉक्टर हाथ से पास में जाते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो मैं 3 मास्क लगाता था, ग्लव्स पहनता था, किट पहनता था, लेकिन मरीज के पास जाता था मैं, तो उसमें ये लगता था कि नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी, मैं चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सभी अस्पतालों में जाकर के बात की, क्योंकि हमारा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उनके बहुत नज़दीक जाते हैं। मैंने कहा ना कि आप अपने कैमरे को 2 मीटर पर रख सकते हो, आजकल सेल्फी के लिए वो है, बट इंजेक्शन तो पास में जाके लगता है, ग्लूकोज की बोतल तो पास में जाके चढ़ती है, ड्रिप तो हाथ पे पास लगती है। हाँ, तो बहुत कोरोना 1-2 को प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, WHO ने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री जी का वो जो समय से पहले उसके सोच करके और जो लॉकडाउन किया गया, एक्चुअली क्या है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी या सरकारों की भूमिका उस फुटबॉल के गोलकीपर की जैसी होती है कि मैच में कितने गोल खा लिए उस पर आलोचना होती है, लेकिन ड्राइव लगा के, कूद के, जंप मार के और पूरी मेहनत से जिन गोलों को बचाया जाता है उनकी चर्चा नहीं होती है। तो ये तो जो जो डेथ हुई हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन कितने बचे हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं तो चिकित्सकों का, पुलिस का, पैरामेडिकल स्टाफ का, सरकारों का बहुत आभारी हूँ कि जो विकसित राष्ट्र नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया। अभी आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत आप केंद्र में, मोदी जी के केंद्र में आपको जगह मिली है, क्योंकि बहुत सारे मंत्री कयास लगाए हुए थे इस यहाँ पर मोदी जी की कैबिनेट में एंट्री के लिए, और अब आपको एंट्री दी है, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या लक्ष्य है आपका इसमें अभी जो आपको भूमिका दी गई है? हाँ, लक्ष्य क्या है कि जो हमारा
हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा विभाग है, जो माननीय अदालतों में मुकदमे बहुत पेंडिंग हैं, डिले होते हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो। फिर ये वो कालखंड है जब वर्चुअल बहुत हुई, तो ई कोर्ट्स की स्थापना हुई, महिलाओं और बच्चों के प्रति प्रधानमंत्री जी ने अपराध के प्रति बहुत गंभीरता दिखाई है, पास्को लाए हैं, उसमें फांसी तक की सज़ा है, आजीवन भी है उसमें, फास्ट ट्रैक कोर्ट हुए हैं, फैसला भी आए हैं और सज़ा भी हुई है। राष्ट्रहित के जो मुकदमे हैं उसमें पैरवी बहुत अच्छी तरीके से हो। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत से ऐसे कानून जो इरेलीवेंट थे, अंग्रेज़ों ने इस बरतानिया हुकूमत को मजबूत करने के लिए बनाए थे, उनका इंटरेस्ट इंग्लैंड में ज़्यादा था, भारत में कम था, हमें तो उन्होंने एक इस्तेमाल किया था। तो बहुत कानूनों में लोच थी, ऐसे सब कानूनों को प्रधानमंत्री जी ने समाप्त किया है। और आप रोज़ देखते होंगे कि नए नए विधेयक, अध्यादेश, कैबिनेट डिसीजन हो रहे हैं जो राष्ट्रहित में हो रहे हैं। तो ये वो विभाग है कि जब कोई मंत्रालय निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है तो वो लॉ एंड जस्टिस को विधिक राय के लिए भेजता है। तो पढ़ना बहुत पड़ता है, देखना बहुत पड़ता है, कोई गलत एफिडेविट ना चला जाए, पैरवी ठीक से हो। अभी हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी का और ATS का भी आभार प्रकट करना, धन्यवाद, बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा है कि अगर वो सफल हो जाते तो हमारा पाकिस्तान, ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसकी जो खुफिया एजेंसी हैं वो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारे को हमेशा नष्ट करने का, अस्थिर करने का यहाँ प्रयास किया जाता है, पकड़ा है। तो अब उनको सजा हो सके, पैरवी ठीक से हो सके, तो एविडेंसेस ठीक से हो गए, पुलिस का काम है, लेकिन सरकार के वकील, स्टैंडिंग काउंसिल, हमारे लोग ऐसी पैरवी करें कि जिससे सजा हो सके। तो उस दिशा में विधि एवं न्याय मंत्रालय का एक अहम भूमिका होती है, उसको हमारे कैबिनेट मंत्री बहुत अच्छे हैं, किरण रिजिजू साहब, वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं और बहुत ही विद्वान हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। तो ये टीम मोदी है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सब लोग मिलकर के मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिल सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय है, वो अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान केवल सड़क, स्कूल, बिजली, पानी या भोजन या चिकित्सा या गैस या शिक्षा ही नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने राजनीतिक अंत्योदय किया है। हम अंत्योदय की परिभाषा सुनते थे बचपन से कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्यधारा में आए, मुस्कुराहट आए। मोदी जी ने उस मुस्कुराहट को खिलखिलाहट में बदला है। 12 रुपये का बीमा करके, 330 का बीमा करके, किसान सम्मान निधि दी के, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति साल गरीब का इलाज हो सके, गैस सिलेंडर दे के, ये सितंबर के महीने में देखिए आप बारिश हो रही है, कंडे गीले हो जाते थे, लकड़ी गीली हो जाती थी, हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ धुएं में काम करती थी, मोतियाबिंद हो जाता था। अंतिम आदिवासी महिला को जो है उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर देने का काम किया है। इंटरव्यू समाप्त किए हैं, क्योंकि इस सरकारों से पहले नॉन गेस्टेड में अब इंटरव्यू नहीं होंगे, इंटरव्यू लेने के लिए नहीं हुआ करता था, इंटरव्यू निकालने के लिए होता था, लेना है तो लखनऊ की स्पेलिंग बताओ, नहीं लेना है तो चेकोस्लाविया की बताओ, तो चेकोस्लाविया की स्पेलिंग बता के जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाए, बंदरबाट हुआ करती थी, मुख्यमंत्री लोग सूचियाँ दिया करते थे, मंत्री लोग अपने भाई भतीजों को भरते थे। बहुत बड़ा काम हुआ ये ऐतिहासिक कि केंद्र सरकार ने ABCD में से केवल ए में इंटरव्यू होंगे, बी के गेस्टेड होंगे, नॉन गेस्टेड के COD में नहीं होंगे। योगी जी ने भी का खा गागा में उत्तर प्रदेश की सरकारें नौकरियाँ हैं, का में इंटरव्यू, खा के गेस्टेड का, नॉन गेस्टेड मतलब उत्तर प्रदेश के थानेदार का भी इंटरव्यू नहीं होगा। और कितना बड़ा पद है, फिर वो एक दिन इंस्पेक्टर बनेगा, डिप्टी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट SP बनेगा, रिटर्न पर होगा, OMR सीट होगी, कंप्यूटर जी कॉपी जाँचेंगे, या तो पूरे नंबर या जीरो, पूरे नंबर या जीरो। ये इतना बड़ा काम है आज़ादी के बाद, मैं सबसे बड़ा काम मानता हूँ कि बच्चों को बिना पैसे के, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के सीधे सीधे नौकरियाँ दी जा रही हैं। मोदी जी ने राजनीतिक अंत्योदय ये किया है कि अंतिम व्यक्ति पायदान पर खड़ी हुई कुछ जातियाँ, आज़ादी के 70 साल, 17 लोकसभाएँ हो गई, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे, तो तमाम ऐसी जातियाँ जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला उनको मंत्री बना के शास्त्री भवन, रेल भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, शास्त्री भवन पहुँचाने का काम किया। मैं भी उनमें से एक हूँ कि अपने समाज का आज़ादी के बाद मोदी जी ने पहला मंत्री बनाया है। और ये वो जातियाँ हैं
जो एहसान और अपमान दोनों को याद रखती हैं। तो जिन लोगों ने नहीं बनाया था वो अपमान भी झेला है और इस एहसान को भी मान रहे हैं। इसको हम और हमारे फॉलोअर्स और समाज इस एहसान को मानते हुए मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जो खूबसूरत गुलदस्ता है। खूबसूरत गुलदस्ता वो होता है जो हर रंग फूल किस्म का फूल हो। आप महिलाओं की बात करें कि 11 महिलाएं मंत्रिमंडल में हैं। पुरानी सरकारों में महिला का मतलब था पंजीरी, बाल विकास, महिला, केवल ये मिलता था। आज रेल मंत्री महिला हैं, आज विदेश मंत्री महिला हैं, आज वित्त मंत्री महिला हैं, कॉरपोरेट अफेयर्स में महिला है, MSME में महिला है, हेल्थ मिनिस्टर महिला है। तो ये दूसरा ट्राइबल्स को 7 सिस्टर हैं, छोटा सा है, यूपी के एक मंडल के बराबर नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन वहाँ के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए और विश्वास रखने के लिए शामिल किया गया है। ट्राइबल्स को भी शामिल किया गया। बैकवर्ड के 27 मंत्री बने हैं। आबादी भी है, आप लोगों ने कई बार कहा यूपी के चुनाव में नहीं, भारत चुनावों का देश है। जब भी कोई काम होगा 3-4 राज्यों में चुनाव अपेक्षित होंगे, तो मोदी जी करते हैं, साल भर काम करते हैं। और विश्व की राजनीति में आज भारत का दबदबा है। आज ये लगभग विकसित राष्ट्र बन गए, हमारी बड़ी इकोनॉमी है। आज अमेरिका भी बोलते हुए संभल के बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री जापान, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों से आँख मिला करके बात करते हैं। अब हम वो दयनीय नहीं है कि कटोरा हमारे हाथ में हो और हम दुनिया में कुछ मांगने के लिए निकलते हों। हम विश्वगुरु थे, आज नहीं हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम एक दिन विश्वगुरु बनेंगे। सर, आप जिस तरीके से अभी मोदी जी के जो भी उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने चीज़ें सपोर्ट की हैं और देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी का कहना है कि उन्होंने रोजगार को लेके और जो उज्ज्वला योजना की जिसकी बात की है, सिक्योरिटी की बात की है, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि आज की डेट में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं जो पहले के टाइम पर कम हुआ करते थे। ऊपर से क्राइम रेट की भी वो बात करते हैं कि क्राइम रेट आज की डेट में ज़्यादा बढ़ गया है, और महंगाई की बात होती है और इस तरीके से, और रोज़गार एंड बेरोज़गार की भी बात करते हैं। अभी शिक्षक भर्ती को लेके ही काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं जो अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो उसको लेके भी बहुत अपोजिशन ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रखा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जब आपने स्वयं प्रोपेगेंडा शब्द इस्तेमाल किया है तो मेरा उत्तर है कि ये प्रोपेगेंडा है, यथार्थ इससे अलग है। देखिए, महंगाई की बात से मैं बहुत नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन गैस, पेट्रोल, डीजल भारत सरकार नहीं तय करती है। ये विश्व का एक मार्केट है, ओपिक कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज तय करते हैं। तो इसलिए आप देखते होंगे कि गेहूं का जो MSP है वो साल भर तक वो रहता है, फ्लैक्चुएशन रोज नहीं आता है। या धान है, या बाजरा है, या चना है। सोना अप डाउन करता है, चांदी अप डाउन करती है, आप अक्सर देखते होंगे। इसी प्रकार से पेट्रोल डीजल होता है, वो आपको पता है। राज्य सरकार ने अपना चाहे तो अपने करों में छूट दे करके उसको सस्ता कर सकती है। इस सिलेंडर महंगे के अलावा कोई बात तो लोगों को ये भी दिखना चाहिए कि 12 रुपये में 2 लाख का बीमा, 330 में 2 लाख का बीमा, अगर इस कमरे के बराबर ज़मीन किसी के पास है, खतौनी में उसका नाम है, तो 6,000 फसल आएगी 2,000 की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसको 6,000 की मिलेगी। ये भी तो ध्यान रखना चाहिए। और तमाम गरीब लोग काढ़ा पी के, चाय पी के अपने बुखार को उतारते थे, फिर झोला छाप डॉक्टर पे जाते थे। आज 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल उसका मेदांता में भी इलाज होगा, आयुष्मान में। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक आपने क्राइम की बात की है, ये स्वर्ण युग है, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी का ये स्वर्ण युग है। अपराध और अपराधियों से चीफ मिनिस्टर का कोई संबंध नहीं है। कोई मंत्री किसी अपराधी के पीठ पर हाथ नहीं रख सकता है। योगी जी पे 2 बुलडोजर हैं। एक बुलडोजर है जिसमें प्रदेश का निर्माण हो रहा है, सड़कें, पुल, पुलियां हो रही हैं, और दूसरा बुलडोजर है जिन्होंने विकास प्राधिकरणों की कभी चिंता नहीं की, जो नक्शा पास नहीं कराते हैं, अकूत संपत्ति, अपराधियों से संपत्ति इकट्ठी करी है, और वो ना ADO को मानते हैं, ना LDO को मानते हैं, ना GTO को मानते हैं, ना DTO को मानते हैं। संयोग है कि वो बाईदेवे मुख्तार अंसारी है, अफजल अंसारी है, अतीक अहमद है, लेकिन SP सिंह बघेल की पूरी कोठी आय से अधिक संपत्ति में और बिना नक्शा पास किए और ऐसे कब्जा करके बनी होगी, तो उस पर भी बुलडोजर चलेगा। तो
अखिलेश जी की सरकार में जब तक बच्चा स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ चिंता करती थी कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया। एक दुकानदार जब तक दुकान बंद करके अक्सर टाइम सेट होता है, अगर आधा घंटा कहीं रुक गया, चाय पी ली, पान खाने लगा, पत्नी सोचती थी कि थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। किसान रात में खेतों में पानी लगाना बंद कर दिया था कि वहाँ से अपहरण हो जाएगा। मैं आगरा का MP हूँ, आगरा के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि वो चिकित्सकों का शहर है, नर्सिंग होम का शहर है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनका देश दुनिया में नाम है। डॉक्टर सब मरीजों से कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक किया करो, तो खुद भी करते होंगे, लेकिन मॉर्निंग वॉक करना बंद हो गया। एक अपराधी था जिसका सॉफ्ट टारगेट केवल चिकित्सक थे, करोड़ों में फिरौती होती थी, तो सुबह चिकित्सकों ने मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया था। उस अपराधी का मॉडस ऑपरेंडी था कि सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए किसी बड़े चिकित्सक को या उद्योगपति को उठाए। ये सब बातें याद हैं, लोगों को याद हैं, इसलिए 22 आएगा तो लोग अपने बच्चे की शक्ल देख करके, अपनी बिटिया की शक्ल देख करके वोट डालने जाएंगे, खाली प्लॉट को देख के जाएंगे, इस पर कब्जा तो ना हो जाए। हो गया, आज कोई लड़की जाती है दूसरे शहर में तो 15-15 मिनट में पिताजी फ़ोन पे उसकी लाइव लोकेशन नहीं पूछते हैं। योगी जी की सरकार में वो सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। तो डकैती, चोरी, लूट, हत्याएं सभी आधी रह गई हैं। जब है, जब पुलिस FIR दर्ज कर रही है तो वो जंगल राज था, आपने ही कहा था, मीडिया ने ही कहा था जंगल राज था। तो क्राइम लेस सोसाइटी कभी नहीं होती है। गुप्तकाल जो भारत का स्वर्ण युग था, अपराध थे, लेकिन आज कोई अपराध होता तो वर्कआउट होता है, और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं है। अपराध के कई कारण हैं, लेकिन पिछली सरकारों की तुलना में आधे भी नहीं रह गए हैं। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री 100% ईमानदार हैं। उनकी जेबों में रूमाल तो मिल सकता है, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा कभी। वो एक ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें उनको सब दिखाई पड़ते हैं। दर्द उनको हो रहा है जो नियम तोड़ रहे हैं, जो कानून तोड़ रहे हैं, जो राष्ट्रवादी नहीं है, जो भारत की एकता अखंडता को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो जंगल राज चलाना चाहते हैं, जो अकूत संपत्ति इकट्ठी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पेट में दर्द है। तो जहाँ तक ये तो विपक्ष भी कहने लगा है कि योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और लॉ एंड ऑर्डर को कभी यही लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कल एक मौलाना के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है तो वो धर्मांतरण करा रहे थे। तो मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा एज ए लॉ मिनिस्टर कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध अध्यादेश 2020 लाए हैं, तो उसमें सजा है, IPC भी कायम होगी और ये भी होगा। तो भय से, भय दिखा के, प्रलोभन से, या किसी को खरीद के या ब्रेन वॉश करके कोई भी धर्म परिवर्तन कराता है वो गैरकानूनी काम है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और वो एक ग्लोबल पीस चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं मौलाना जो, तो देवबंद में ऐसी होगा। तो मैं आज भी उन लोगों से कहना चाहूँगा, हो सकता है आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाए, कि उर्दू, अरबी, फारसी, बहुत साहित्य सब अच्छा है, चाहे लैटिन हो, अंग्रेजी हो, जर्मन हो, रसन हो, सब अच्छा है, तमिल, तेलुगु हो, सब साहित्य बहुत अच्छे हैं। लेकिन व्हेन आई रोम डू एज रोमन्स डू, समय काल पर नालंदा में जो पढ़ाया जाता था आज उससे थोड़ा अलग पढ़ाया जा रहा है। शांति निकेतन में टैगोर जी जो पढ़ाते थे, थोड़ा अब हमें सिलेबस में परिवर्तन, नई शिक्षा नीति आई है, बहुत सोच समझ करके आई है। तो अभी भी ज़कात है, उसका बड़ा हिस्सा मदरसों में इस्तेमाल हो रहा है। उर्दू, अरबी, फारसी है, अच्छी बात है, पेश इमाम बन जाएंगे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलाकर पढ़ेंगे मौलाना जी तो अब्दुल कलाम बनेंगे। और जब इस देश में कोई अब्दुल कलाम बनता है तो वो जाति और धर्म के नज़रिए से कभी नहीं देखा गया। वर्षों के बाद बच्चों के स्टडी रूम में किसी नेता का चित्र लगा, अब मोदी जी का, उसके पहले अब्दुल कलाम साहब का, नहीं तो बच्चों के स्टडी रूम में पहले गांधी, नेहरू रहते होंगे, चौधरी चरण सिंह जी, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन बीच का कालखंड आया जब कोई राजनीतिक नेता नहीं था जो बच्चों का चाहता हो। नेहरू जी ने अपने आप को कहलवाया चाचा नेहरू, लेकिन अब्दुल कलाम वास्तव में चाचा कह लो, गार्जियन कह लो, मेंटर कह लो, हमारे अभिभावक कह लो, बच्चों को प्रभावित किया। तो जब उनकी डेथ हुई, मैं जानता हूँ कि मृत व्यक्ति देखता नहीं है कि कौन आया था, लेकिन मैं गया, जब मैं वहाँ गया तो किलोमीटर्स लंबी लाइन थी जो श्रद्धांजलि दे रहे थे, उसमें ऊंचे पजामे, टोपी वाले लोग, दाढ़ी वाले कम थे, स्कूली बच्चे थे,
गुलाब का फूल लेकर के लाइन में खड़े हुए थे, जिनके कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा था, जो सेलिब्रिटी नहीं थे, जो Page 3 में नहीं छपते। तो ये एक ऐसा कालखंड था, ये विज्ञान की शिक्षा की वजह से था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो अभी ATS ने पकड़े हैं, अगर नहीं पकड़ पाते तो चुनाव से पहले, त्योहारों से पहले, राष्ट्रीय त्योहारों से पहले हमेशा इस प्रकार की गतिविधियाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो कुछ एजेंट भारत में हैं और उनकी खुफिया एजेंसियाँ, वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने का प्रयास करते हैं। सर, अब आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सर, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या इस बार फिर से भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी? माननीय प्रधानमंत्री जी के गार्जियनशिप में, नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कल्याणकारी योजनाएं और ख़ास तौर से केंद्र की गरीब कल्याणकारी योजनाएं और राज्य के और राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी संगठनात्मक परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा रहे हैं, उससे कमल खिलेगा। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, प्राइम टीवी के व्यूवर्स को बस यही कहना चाह रहे हैं, अगर आप जिस जगह हों, जहाँ हों, सुरक्षित रहें। इस कोरोना अभी गया नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज करें और अनुशासन का परिचय दें। और एक अच्छा साक्षात्कार हुआ है, राजनीतिक बच्चे जो राजनीति माना चाहते हैं तो ऐसा ना करें कि राजनीतिज्ञों की आलोचना करें और केवल ना आए। लोग सोचते हैं जैसे कि भगत सिंह जरूर हों लेकिन मेरे घर में ना हो, क्योंकि एक दिन मृत्युदंड मिलता है। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये डेमोक्रेसी के चार स्तंभ हैं, सबका बैलेंस होना चाहिए। विधायिका में भी अच्छे लोग आना चाहिए। आने वाला समय नई पीढ़ी का समय है, मतदाता भी अपना सोच बदल रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में आए, बहुत अच्छी जगह है। निरंतर जनता के संपर्क में रहें, ना पैसा लें, ना दें, ना दिलाएं, इसी फार्मूले पे मैं राजनीति में यहाँ तक आया हूँ। और काम करें, समाज सेवकों से कहना चाहूँगा, ख़ासतौर से NGO से, कि समाज सेवा की पगडंडियाँ एक दिन राष्ट्रीय राजनीति के राष्ट्रमार्ग तक जरूर पहुँचाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज के हमारे प्राइम टीवी के शो शख्सियत में हमने बात की केंद्रीय राज्य कानून मंत्री SP सिंह बघेल जी से, जिन्होंने बहुत ही दिलचस्प अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया है, किस तरीके से उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर से आज केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा हासिल किया है और बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।